भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार धीरे धीरे बढ़ते हुए अब लोगों में लोकप्रिय होने के लिए तैयार है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में ई वाहनों की बिक्री में जोरदार इजाफा होगा। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस का कहना है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार 2021 से 2030 के बीच 49% सालाना के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। इस ग्रोथ के असर से 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1.7 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईवी सेगमेंट की ग्रोथ की कई वजह हैं, जिनमें शामिल हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में नई कंपनियों की एंट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तकनीक अपग्रेड होना और राज्य सरकारों से इन वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी। जिन सब के असर से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में बढ़ोतरी होना तय है। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कोरोना के बाद तेज रिकवरी नजर आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट की घरेलू बाजार में कुल बिक्री में 50% हिस्सेदारी है। 2021 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री 4.67 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। इसके बाद ईवी की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बड़ी हिस्सेदारी रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड के साथ बैटरी की मांग में भी इजाफा होने की उम्मीद है। इसकी वजह से ईवी के साथ बैटरी की कीमत में भी कमी आने की उम्मीद है। 2021 से 2030 के बीच बैटरी की सालाना डिमांड 41% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में लेड एसिड बैटरी की हिस्सेदारी 81% के करीब है। इस समय दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई तकनीक पर काम कर रही हैं। इसके असर से भारत में भी अगले कुछ वर्षों में ईवी का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। कई राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी भी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने में भरपूर मदद कर रही है।